पशुपालन विभाग ने जिला के पोल्ट्री फार्मों से मुर्गों के 200 सैंपल एकत्रित कर लिए हैं, जिन्हें विभाग अब जालंधर स्थित रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में भेजेगा। जानकारी के अनुसार जिला के जमथल में कौओं के मृत पाए जाने के बाद और पोंग डैम में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन ये कदम उठाया है। हालांकि मृत कौओं के जालंधर नॉर्थ जोन की स्थित रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। विभाग इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, उसके बाद ही विभाग आगामी कार्रवाई करेगा। जानकारी के अनुसार पशुपालन विभाग ने जिला के पोल्ट्री फार्मों में मौजूद मुर्गों का निरीक्षण करने के लिए 6 रैपिड रिस्पांस टीमें गठित की हैं। वहीं जिला प्रशासन के निर्देश पर पशुपालन विभाग व पुलिस की टीम ने स्वारघाट में बाहरी राज्यों से मुर्गे लेकर आने वाली गाड़ियों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। हालांकि बर्ड फ्लू की आशंका के चलते जिला के प्रवेश द्वार स्वारघाट से कोई भी गाड़ी बाहरी राज्य से मुर्गे लेकर नहीं आई है। इतना ही नहीं, बर्ड फ्लू की आशंका के चलते लोगों ने चिकन व अंडों से दूरी बनाना शुरू कर दी है, जिस कारण इस व्यवसाय से जुड़े लोगों की आजीविका पर विपरीत असर पड़ना शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार जिला में 132 पोल्ट्री फार्म हैं, जिनमें पशुपालन विभाग द्वारा गठित रैपिड रिस्पांस टीमों ने 200 सैंपल एकत्रित किए हैं। पशुपालन विभाग बिलासपुर के उपनिदेशक डॉक्टर लाल गोपाल ने बताया कि संबंधित सैंपलों को विभाग जाँच के लिए जालंधर स्थित रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी भेजेगा। डॉक्टर लाल गोपाल ने बताया कि जालंधर भेजे गए 5 सैंपलों की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। उन्होंने बताया कि जालंधर से रिपोर्ट आने के बाद ही विभाग आगामी कार्रवाई करेगा कि संबंधित कौए किस बीमारी से मरे हैं, उसी के अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि विभाग हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है तथा आवश्यक दवाइयों व उपकरणों का प्रबंध कर लिया है। उन्होंने बताया कि जमथल क्षेत्र के लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया है। हमारे यहाँ जो सैंपलिंग करी की जा रही है पोल्ट्री की, खास करके उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में लगभग 200 के ऊपर सैंपल जो है वो हमने भेजने हैं RDDL जालंधर। और ये इसके अलावा जो है वो मंडी और कुल्लू जिला के भी हम यहाँ वेट कर रहे हैं, वो भी आज उम्मीद है वो आज आ जाएंगे सैंपल, और उस तक हम कल तक जो है वो आदमी भेज लेंगे। इसके अलावा जो है वो हमने वो जहाँ पे हमें मिले थे कौए उसके वहाँ पे हमने लोगों को सतर्कता बरतने को बोला है और सावधानियाँ बरतने को बोला है, हाइजीनिक मेजर्स पूरा रखें वो। और जब वो हमें रिपोर्ट जो है शायद एक आध दिन में और आ सकती है, तो जब उसके बाद रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद जो है वो फर्दर कार्रवाई की जाएगी कि उसमें रोग है तो क्या है, और जो भी रोग होगा उसके हिसाब से जो है हम प्रिकॉशन और जो है वो इलाज शुरू करेंगे, क्योंकि हर एक रोग का अलग अलग इलाज होता है, अलग अलग प्रिकॉशन होते हैं। पर फिलहाल एज ऑन टुडे तो हमने वहाँ पे जो जनरल हाइजीन है वो उनको लोगों को बोला है मेंटेन करने को, ताकि जो है वो फर्दर उससे जो है कोई प्रॉब्लम ना बढ़े और जो है हम उसको कंट्रोल कर पाएँ, जो भी डिजीज़ जो भी